यार मैं तुम्हें मिलाद की बरकत बता रहा था ना, वो मंदिर में बैठा हुआ पंडित था जिसके गले जिसके सर पे बहुत बड़ा बाल था जिसे इलाके की जबान में चुन्नी कहते हैं, वो बैठा हुआ मंदिर में घंटा बजा रहा था। उसने जब मेरी तकरीर सुना उसने कहा चतुर्वेदी साहब ये कौन सी बात आपने कह दी, सरकार के मिलाद से इतनी बरकत? मैंने कहा हां बरकत है। उसने कहा अगर बरकत है मैं पंडित हूं मैं भी मानता हूं कि सरकार के मिलाद की बहुत बरकत है, आमिना के बेटे का चर्चा करने से बीमार जिंदगी में खुशहाली पैदा हो रही है। मैंने कहा पंडित जी आप कैसे बताओगे? पंडित जी कहते हैं मैं पंडित जरूर हूं लेकिन मेरा भी मानना है। कृष्णोतारा ने आत्म वर्तम सातम सुदीमा से मरम चपुला इलाह इल्ला अल्लाह हरणे बाबम ब्रह्म विदम विदम वैकुंठ प्राप्त हुई जपे नाम मोहम्मदम स्वाहा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जरा जोर से कह दो यार मिल्की वालों तुम्हें तो मस्त होना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, तड़पना चाहिए। अब तक तो मिल्की उलमा ने तुम्हें ये बताया था कि मुस्तफा की तारीफ जिब्रील करते हैं, मुस्तफा की तारीफ मलाइका करते हैं, मुस्तफा की तारीफ फरिश्ते करते हैं, मुस्तफा की तारीफ मक्के मदीने के लोग करते हैं, मेरे महबूब की तारीफ सहाबा करते हैं। आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ मेरा नबी ऐसा नबी है जिसकी तारीफ जनकपुर के पंडित करते हैं, जिनकी तारीफ अयोध्या मथुरा काशी के लोग भी करते हैं। पंडित जी कहते हैं सुन मुसलमान तेरा नबी कितना बड़ा दयालु, तेरा नबी कितना बड़ा दयावान, तेरा नबी कितना बड़ा भाग्यवान है, तेरे नबी को ईश्वर ने ब्रह्मा ने परमात्मा ने परमेश्वर ने इतनी शक्ति प्रदान की, इतनी शक्ति प्रदान की जो तेरे नबी के नाम को एक मरतबा दिल से पुकार लेता है ब्रह्मा ईश्वर अल्लाह उसकी सारी परेशानियों को खत्म करके जिंदगी में खुशहाली पैदा कर देता है। वो कहते तेरे नबी का नाम जो एक मरतबा ले लेता है जिंदगी की परेशानी को खत्म कर देता। आगे वो कहता जब बुला इलाह इल्ला लम्मा वो कहते उसके बाद उस नबी को ब्रह्मा ने दो मंत्र दिए, दो मंत्र दिए। मैंने कहा कौन सा मंत्र? वो कहते जब बुला इलाह इल्ला लम्मा हरारे पापम। वो कहते दो मंत्र है, मंत्र का एक हिस्सा ला इलाह है और मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह। मंत्र का एक हिस्सा ला इलाह, मंत्र का दूसरा हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहते इस मंत्र में ब्रह्मा ने इतनी शक्ति दी है जब ला इलाह इल्ला लम्मा हरारे पापम। हरार कहते खत्म करने को, पाप आते गुनाह को। वो कहते हैं कि अल्लाह ने इस मंत्र में इतनी शक्ति रखी, अगर ये बात सच्ची हो तो मिल्की के लोगों तुम्हारी आवाज से बुलंद हो, चूंकि तेरे इस्लाम की बात मैं नहीं कर रहा एक पंडित कर रहा। वो कहता जब ला इलाह इल्ला लम्मा हरारे पापम, जब कोई बंदा ला इलाह पढ़ता है उसके पाप को खत्म कर दिया जाता है, और जब वो मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता है उसके ऊपर जन्नत को वाजिब कर दी जाती है। जपूला इलाह इल्ला लम्मा हरारे पापम, जपूना में मोहम्मदम स्वाहा। वो कहते जब ला इलाह कहता पाप खत्म कर दिए जाते, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता बुराई खत्म कर दी जाती, उस पे जन्नत को वाजिब कर दिया जाता। वो भोजपुर का एक पंडित था, उसने बड़े अच्छे अंदाज में कहा था जहां नबी जी का चारी चाहो रहमतो नूरी